मैंने देखा द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर और मैं कहूंगा कि ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस मूवी का फ्रॉम द ट्रेलर। बट ट्रेलर से ये भी पता चलता है कि ट्रेलर के अंदर सारी चीजें तो बता दी, ट्विस्ट एंड टर्न सारी चीजें हमें पता चल जाती है ट्रेलर के अंदर ही। तो इससे हम टोटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पता चल जाता है कि विकी कौशल बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजन एंड दैट्स द रीजन वाई, उसकी वजह से कई सारे सोशल और ट्रिवियल मोमेंट्स होने वाले हैं इस स्टोरी के अंदर और ये सारी चीजें हमें इससे पता चलती है। लेकिन एक चीज जो हाईलाइट है इस ट्रेलर के अंदर वो है विकी कौशल का परफॉर्मेंस, विच लुक्स रियली एब्सोल्युटली अमेजिंग, एज वेल एज उनका जो चार्म और करिश्मा है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई देता है। वो एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर होने वाला है। साथ ही साथ उनकी जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगी। साथ ही साथ हमें मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा भी देखने मिलते हैं जो दोनों बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, तो इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। हालांकि मैं देखने चाहूँगा कि किस तरह से ये वाली जो मूवी है सोशल इश्यूज़ को प्रेजेंट करती है और सोशल जो डिलेमास इंडिया में चल रहे हैं उन डिलेमास को लेकर किस तरह से एक स्टोरी को इंटरव्यू करती है इनके अंदर, ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। स्क्रीन प्ले के ऊपर मैं यहाँ पर डेफिनेटली कमेंट करना चाहूँगा इस मूवी को देखने के बाद। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरह से इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की गई है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस मूवी को लेकर। इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है साथ ही साथ जो इसके अंदर सॉन्ग्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल एंड बबली सॉन्ग्स है, दैट इज़ समथिंग विच ऑल्सो ग्रैब्स योर अटेंशन। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आजकल जो ऑडियंस का टेस्ट है ना, इस तरह की जो सोशल इश्यूज़ के अराउंड रिवॉल्व करने वाली मूवीज़ है उनको वो OTT पे देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसी मूवीज़ जिनके अंदर मास मसाला एक्शन हो वैसी मूवीज़ को लोग थिएटर में जाकर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द चेंज ऑफ टेस्ट विच हैज़ हैपन अमॉन्ग द ऑडियंस, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस मूवी की कलेक्शन कम होंगे, प्लस इसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा कम की गई है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर ये मूवी OTT पे आएगी तो डेफिनेटली लोग इसे अप्रिशिएट तो करेंगे। अगर ये सही तरीके से स्टोरी टेलिंग कर पाई, सही तरीके से मैसेज जो डिलीवर करने वाले हैं सोशल मैसेज उसे डिलीवर कर पाई, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ क्वेश्चन टू बी आस्क। जिसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, इससे ज़्यादा इस पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। मूवी देखने के बाद डिटेल बातचीत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब कर देना।